छुट्टी से ये भी नहीं गए 10 तारीख को गए थे 10 को आए होंगे भाई फोन ना ठीक है कि सरकार को और मदद करनी चाहिए। मुझे याद है कि ये फैसला नेताजी का ही था कि पूरे सम्मान के साथ सेना या कोई जवान अगर शहीद होता है तो पूरे सम्मान के साथ उसके पार्थिव शरीर उसके गांव घर और उसके परिवार के बीच में लाया जाएगा। वहीं मदद का भी फैसला उसी समय शुरू हुआ जहां प्रदेश सरकार मदद करती थी 10 लाख और पिछली सरकार में 20 लाख कर दिया था और साथ ही साथ ये भी फैसला लिया था कि 5 लाख उनके परिवार में जो माँ बाप हैं उनकी भी मदद होगी। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार को जहाँ नौकरी देने की बात कही है वहीं अगर सरकार और मदद कर सकती है तो अच्छी बात है। लेकिन मदद के साथ साथ सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार चूक क्यों हुई है और चूक का कारण क्या है। क्या जवान ऐसे ही जान खोते रहेंगे? क्या जवानों की ऐसे ही जान चली जाएगी? किसान तो मेहनत कर रहा है खेत पर और उसी का बेटा जाकर के सीमा की सुरक्षा कर रहा है। अगर किसान दुखी हो जाए और जवान को भरोसा सुरक्षा का नहीं होगा तो हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं? कम से कम हमारा भारत ताकतवर भारत बने, मजबूत भारत बने और तभी बन सकता है जब हमारा सुरक्षा करने वाला जवान का सम्मान के साथ साथ उसको कम से कम ताकत मिले और वहीं किसान की खेतीबाड़ी का भी सही इंतजाम हो।